पंजाब सरकार नशा मुक्ति और नशे के खात्मे के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, जिसके विपरीत आज भी नौजवान चिट्टे नशे की गिरफ्त में आकर मौत को गले लगा रहे हैं। पंजाब में माझा और दुआवा के बाद अब चिट्टे ने मालवा पट्टी में दस्तक दी है। ताज़ा मामला मानसा का है, जहां के 29 वर्षीय नौजवान यदविंदर सिंह ने चिट्टे का इंजेक्शन लगाकर ओवरडोज होने के कारण बेहोशी की हालत में चला गया, जिसको बेहोशी की हालत में मानसा के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उसे पटियाला के लिए रेफर कर दिया है। जिंदगी और मौत से जूझ रहा नौजवान के दोस्त और परिवार ने बताया कि नौजवान ने चिट्टे का इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हुई तो उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उसे रेफर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मानसे में चिट्टे का सेवन बहुत सारे नौजवान कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के रामा शहर से नौजवान बड़ी आसानी से नशा खरीद कर लाते हैं और नशा करते हैं, जिसके बारे में पुलिस को सब पता होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि नशे का खात्मा कर नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं नौजवान के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि उनके बेटे की जान बचाई जाए। दूसरी ओर मानसा के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि यादविंदर सिंह नामी नौजवान दाखिल हुआ था, जिसने नशा का सेवन किया हुआ था और काफ़ी ओवरडोज होने के कारण उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे पटियाला के लिए रेफर किया गया है। ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। तेल पवा के को आया तो मैं कहना मैं चक्कर आ रहे ने मखा की हो गया, कहना मैं इंजैक्ट किया गा तो मखा हूँ फेंटा फुंटा पी लाया मखा, तो उदू बाद डिग पिया तो मैं उठाया टूया उठाया नहीं, फिर मैं बस स्टैंड वाले अस्पताल च लैके गया गला चक के बारिश च मोटरसाइकिल से, उन्हें मना करता कहते नहीं लैके नहीं भी इतने सरकारी च लै जाओ, मैं सरकारी च गया मैं कहता थोड़ा मोटा ट्रीटमेंट करो ही, तो मैं कहें तो जमा सह औखे औखे आई जाते, वह कहते नहीं साढ़े कोई नहीं होंगे, सरकारी अस्पताल ने बिल्कुल मना करता, होंगे हवाई भी सब कुछ मना करता, नहीं कहना मैं इंजैक्ट ही करता से ही पहला भी इंजैक्ट ही करता दस चिट्टे का पहला फनारगल दाइन डब्बिया लाता हूँ पहला ही सब नू पता है घर दिन भी पता सारे भी, इस करके मेरी बेनती है भी इलाज सही किया जाए तो जो बेचते हैं सरकार उन्होंने सजा सख्त तो सख्त सजा दी जाए। चिट्टे का अपने काम बहुत 10-15 जने हैं जो बेचते हैं फतेहाबाद तो लिया है ठीक है जी, या रामा मंडी तो लिया है तो इतने बेचते हैं सारे ठीक है जी, तो बकाउन का हाथ सारा सरकार का गा, सरकार के हाथ ही सब कुछ है। मैं मान जो मुख्यमंत्री साहब को बेनती करना है भी जिन्हें भी लोग नशा बेचते हैं उन्होंने जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि हर रोज़ 2-3 मौत एक शहर एक पिंड डेली मौत हो रही ने, तो यदि मौत जिम्मेवार कैप्टन सिंह ने सारी मान सारा शहर ही नशे का शिकार रही चिट्टे का, बाणिया तो लैके चंगे तगड़े तो तगड़े घर के लोग टीके लाने जी, ताकि सरकारी अफसर भी जोड़े प्रिंसीपल वगैरह हो गए होर हो गए वह भी यदा टीके का शिकार ने, टीके लाना सिखा तो कोई नहीं नशे वास्ते पैसे पूरे नहीं होंगे बस इन्ना ही, क्योंकि 4 महीने पहला मैं भी लाता हूँ सी जी, तो हूँ मैं लाता नहीं गा क्योंकि मैंने भी पता गा हूँ नशा नहीं होंगे टीके ना नशा होंगे गा जी पन्नी से चिट्टे का टीका लाया जी। हाँ जी जो मुंडा ने चक लिया वो दसदा मैं मैंने कोई गल नहीं मारे कम से, तो उदू बाद कहना भी अस्पताल रैफर कर अस्पताल चक लिया गया, अस्पताल इन्होंने कहा भी ये तो बेसुरता है इन्होंने चक के पटियाला लिया जी। एंड स्टार न्यूज़ के लिए मानसा से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।